नमस्कार, SBT न्यूज पर मैं हूं आपके साथ आभा और आप देख रहे हैं इस वक्त की खास खबर। नई नहीं है ठेकेदारों के पूल की परंपरा, श्रीगंगानगर में अब UIT में हावी होगा भ्रष्टाचार। स्थानीय निकायों की ओर से शहर में करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा पूल और शिकायतें किए जाने की परंपरा नई नहीं है। इससे पहले भी नगर परिषद और नगर विकास न्यास के ठेकेदारों द्वारा पूल किए जाते रहे हैं। नगर परिषद में तो पिछले 2-3 साल में शायद ही कोई बड़ी निविदा प्रक्रिया ठेकेदारों के पूल के बिना सिरे चढ़ी हो। करीब 2 साल पहले 6 करोड़ रुपए के 37 निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों ने 3 महीने तक पूल के प्रयास किए। इस मामले में पार्षदों की ओर से स्वायत्त शासन विभाग में शिकायत के बाद पूरी निविदा प्रक्रिया ही निरस्त करनी पड़ी थी। अब मुख्यमंत्री की ओर से शहर के लिए दिए गए 20 करोड़ रुपए से नगर विकास न्यास सड़कें बनवाने जा रहा है। इसके लिए चल रही निविदा प्रक्रिया के अंतिम चरण में ठेकेदारों ने पुल का प्रयास किया है। इस पुल को कामयाब बनाने के लिए रविवार को एक होटल में बैठक बुलाई गई। बैठक में मौजूद करीब 4 दर्जन से अधिक ठेकेदारों ने 20 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के लिए BSR से कुछ प्रतिशत बिलों पर टेंडर डालने का निर्णय लिया है। पुल कामयाब करने के लिए एक एक कार्य के लिए एक एक टेंडर हिट डालने पर सहमति का दावा किया जा रहा है। पहले जिस तरह नगर परिषद में ठेकेदारों, अभियंताओं और पार्षदों की जुगलबंदी के चलते पुल पर कमीशन का खेल हावी है, इस बार नगर विकास न्यास में भी ऐसा होने की संभावना बन गई है। 20 करोड़ के निर्माण कार्यों और ठेकेदारों के पुल के चर्चाओं के बीच नगर विकास न्यास के अभियंताओं और कर्मचारियों की बांछें भी खिली हुई है। सोमवार को निविदा प्रक्रिया के अंतिम चरण के तहत टेंडर डालने के लिए ठेकेदारों की आवाजाही UIT में बनी रही। पुल को कामयाब बनाने के उद्देश्य से कल की बैठक में शामिल कुछ ठेकेदार सुबह से ही UIT में विराजमान रहे। फिलहाल खास खबर में इतना ही। अपने आसपास की और भी ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SBT न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।